नमस्कार, स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर टुडे में। ऐसी चर्चा थी पिछले विधानसभा चुनावों में कि आरसपुरा के अगले विधायक सतपाल होंगे, आखिरी समय में आपका टिकट जो है कट गया था, आप क्या कहेंगे इस बारे में? श्री सतपाल पप्पी बता रहे हैं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भाजपा का, और 1986 से कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूं, जिला अध्यक्षता को, फिर आज मैं प्रदेश कार्यकर्ता का सदस्य हूं। तो मुझे जिस लायक मेरी पार्टी समझेगी, जब भी समझेगी, चाहे वो जिलाध्यक्ष था, चाहे आगे मुझे वो पार्टी में MLA का मैंडेट देंगे, तो जो भी पार्टी मुझे हुक्म देगी मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहूँगा, और मैं पार्टी का सदस्य हूँ। मैं तो पार्टी की नीतियों पर ही काम करूँगा, जिसमें मेरी पार्टी की भलाई होगी, मेरे क्षेत्र की भलाई होगी, और मेरे नेता जो वो ऊपर बैठे हैं वो मुझ पर विश्वास दिलाएंगे, मैं उनके विश्वासों पर खरा उतरूँगा। जी, पार्टी के आप एक अंतक सिपाही हैं, ऐसा आपको आपके साथी मानते हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में टिकट कटने पर क्या मन में कुछ निराशा हुई? अगर मेरे मन में निराशा होती तो जो पार्टी में नए नए लोग आते हैं वो जब उनके मन में ऐसी ठेस लगती है, निराशा लगती है, तो वो पार्टी में टिकते नहीं हैं। इसलिए मेरी लॉन्ग लाइफ ये एक सोच रही है को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी हम पार्टी को मुझे इस काबिल समझेगी कि आप आरसपुरा में विधायक के काबिल हैं, आप में ये गुण हैं, और आप विधायक का इलेक्शन लड़ो। जब वो मुझे विधायक का इलेक्शन लड़ाएंगे, मैं बाखूबी उसको लड़ूंगा और निष्ठा के साथ निभाऊंगा, और ये अपनी पार्टी को विश्वास दिलाऊंगा कि मैं जीत के भी आऊंगा। जी, क्या ऐसा लगता है कि अगला टिकट भाजपा का सतपाल जी को मिलेगा और अगले विधायक सतपाल जी होंगे, ऐसा? ये सभी पार्टी का दृष्टिकोण है, ये पार्टी की ऊपर डिपेंड है, ये मेरे ऊपर नहीं है, ये डायरेक्ट यार पार्टी का है। पार्टी के जो सीनियर लोग होंगे ये वही फैसला करते हैं। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता तो मन में बहुत सारी चीज़ें संजो के रखता है, बहुत सारे सपने संजो के रखता है, लेकिन पार्टी के जो उच्च अधिकारी होते हैं, पार्टी के हमारे नेतृत्व है जम्मू कश्मीर का, प्रदेश का जो नेतृत्व है, वो इस काबिल समझेगा तो जरूर हमें इस आगे लाएगा। जी, ये नगर पालिका में प्रचंड बहुमत के बाद आपके समर्थक जो अभी से आपको अगला विधायक मानते हैं, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझे ये समझते हैं कि सतपाल जी को विधायक का मैंडेट मिलना चाहिए और विधायक लड़ना चाहिए। अगर वो मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरी पार्टी के लोग मुझे ऐसा मौका देंगे तो हम पूरी मेहनत से ये काम करेंगे, पूरी मेहनत से लड़ेंगे। धन्यवाद।